Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from TradingFab.in. आज है 24 सितंबर 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:44 हो रहे हैं। थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है आज, तो इंडेक्स और स्टॉक्स का दोनों का भी एक्सपायरी का दिन है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। काफ़ी वीक क्यूज ग्लोबल मार्केट से इस समय देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 23 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,210 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,120। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और यहाँ से जो इसने टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाया, तो हमारा ये जो ब्रेकडाउन लेवल है, ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,090 यहाँ पर अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 11,067 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल भी अमेरिकी बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, नाजदैक करीब 330 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल तेजी यानी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार आज देखे तो लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी 125 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर हालांकि यहाँ पर अभी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, रिकवरी की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन कमजोर बाजार इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से वीक संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है। अभी वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई को पकड़ के। तो ये इस टॉप टू बॉटम ये जो रेंज है, इसका अगर रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो 23.6% इसने अचीव कर लिया। ये वीकली चार्ट खत्म होने में अभी दो दिन बाकी है, तो अगर इस लेवल को तोड़ता है, 11,090 को तोड़ देता है निफ्टी इंडेक्स, तो हमें ये 10,650 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके बीच में ये क्लस्टर है मूविंग एवरेजेस का, वीकली चार्ट में ये अराउंड 10,900 टू 800 के बीच में है, तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेस्ट करे। ये अगर ब्रेक होता है तो 10,650 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने लोअर हाईस क्रिएट होते हुए देखा है, इसका एग्जाम्पल हमने दो तीन वीडियो पहले देखा था। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट की हम बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल इसने एग्जैक्ट 100% का लेवल इसने अचीव कर लिया। तो यहाँ से अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 123.6 के पास आ रहा है, जो कि 10,900 के पास है, और यहाँ पर ये 100 EMA का ये ग्रे लाइन आ रहा है। अगर पास्ट के स्विंग लोस को देखें तो ये स्विंग लो इसने ब्रेक कर दिया, ये जो स्विंग लो था यहाँ पर दो बार इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, ये ब्रेक हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्विंग लो जो है ये यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर इसने पास्ट में रेजिस्टेंस और उसके बाद इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, अभी फिर से इस लेवल के पास 100 EMA भी आ रहा है। तो 10,900 नेक्स्ट सपोर्ट का होगा, अगर ये 11,000 को ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 10,900 के पास होगा। जैसे कि ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं काफ़ी वीक है, तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग आज देखने को मिले। तो आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। निफ्टी इंडेक्स अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, ठीक है, और इसके इस लेवल के नीचे यानी 11,022 के नीचे अगर चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,002, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,980, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है तो ये जो लेवल है जहाँ पर ये इसने अभी मंडे ट्यूसडे को एक सपोर्ट टेस्ट किया था, फिर अभी कल ऊपर आते वक्त इसने यहाँ पर हर्डल फेस किया, तो ये जो लेवल है अराउंड 11,146, इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं।
और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इलेवन थाउजेंड वन सेवेंटी फाइव ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा इलेवन थाउजेंड टू वन जीरो, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो बी केयरफुल। आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।